डीएम साहब भ्रष्ट लेखपाल से हमें बचाओ, रिश्वतखोर लेखपाल और ग्राम प्रधान सुलह के लिए मुझ पर नाजायज दबाव बना रहा है। लेखपाल और ग्राम प्रधान के डर से अपना घर छोड़ खानाबदोशों की तरह जी रहे हैं। यह कहना है उस गरीब महिला का जिसने अपने सुहाग की निशानी पायल व मंगलसूत्र बेचकर लेखपाल को रिश्वत दी है। बताते चले, 4 अगस्त को तहसील सदर के परगना भ्रूण श्रीनगर के गांव लौकिया के लेखपाल सतीश श्रीवास्तव को भास्कर के कैमरे ने रिश्वत लेते उस समय कैद कर लिया था जब तहसील के लेखपाल हड़ताल पर बैठे थे। गुरुवार को लेखपाल सतीश श्रीवास्तव पीड़िता शर्मा देवी के गाँव लौकिया पहुँचा। उसके साथ करीब दर्जन भर लोग साथ थे। वो पीड़िता से सादे कागज पर हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। जब महिला नहीं मानी तो ग्राम प्रधान और लेखपाल और उसके गुर्गे पीड़िता को देख लेने की धमकी देने लगे। लेखपाल और प्रधान के डर के आगे महिला ने अपना घर उसी दिन छोड़ दिया। महिला शर्मा देवी ने बताया कि भ्रष्ट लेखपाल की शिकायत वह अब मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में करने लखनऊ जाएगी। हमका परेशान कि प्रधान पुरान सतीश श्रीवास्तव और सेक्रेटरी साहब जब परेशान किए तो हुआ से ने हम उठ के भाग लिए। हमका खरीदा चाह रहा है वहाँ से भाग्य तो हुआ से ने भाग के हम फिर घर छोड़ दिया। लखीमपुर चले आए हुए हैं रास्ते में। हम यहाँ प्रधान हुआ गए रहे। प्रधान हुआ से ने एक लड़का हुआ से ने भेजा गया है प्रधान हमारे घर हमका ढूंढे के लिए। हम घर ही नहीं थे तो हुआ कहाँ पाए चले आए। फिर वहाँ से हम तो रात में चले आए रहे ऑफिस के यहाँ। लेखपाल दबाव बना रहा है। लेखपाल दबाव बनावते हैं हमारे पर दबिश डरवाए रहा है चारों ओर से मजबूर करते हैं हमका खरीदते बच्चे।